नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा खुद का भी अपना बुटीक है, वहां बिजी होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। कोशिश करूंगा कि अब मेरी वीडियो रेगुलर और कंटिन्यू आए। बहुत से सब्सक्राइबरों कमेंट्स आए हैं आर्म होल के बारे में कि आर्म होल की हम परफेक्ट कटिंग किस प्रकार से करें, आर्म होल कटिंग करने का यानी कि आर्म होल निकालने का फार्मूला बताइए। क्योंकि जब मैं किसी भी ब्लाउज की कटिंग करता हूं, जैसे 36 इंच के साइज की ब्लाउज कटिंग कर रहा हूं, उसमें मैं आर्म होल लेता हूं 6 इंच, या फिर 30 साइज के ब्लाउज की कटिंग कर रहा हूं तो उसमें आर्म होल लेता हूं मैं 5 इंच। तो अधिकतर लोगों का कहना यह होता है कि आप इसे किस फार्मूले से और किस हिसाब से इसकी कटिंग करते हैं, तो मैं आज आप लोगों को कंटिन्यू इसी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं या मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। कुछ लोगों का फार्मूला ये होता है, जैसे 30 इंच साइज की हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो उसे आप 6 से भाग दे दीजिए, तो जो भी फिगर आएगा उसको आर्म होल हम ले लेंगे। जैसे 30 इंच में हम 6 से भाग देंगे तो 5 इंच आएगा, 36 इंच को हम 6 से भाग देंगे तो 6 आएगा। यानी जो भी साइज होता है उसको हम 6 से भाग देने के बाद जो भी फिगर आता है वो आर्म होल होता है ब्लाउज का। ये फार्मूला कुछ हद तक तो काम करता है, लेकिन बड़े साइज के ब्लाउज में ये फार्मूला काम नहीं करता, क्योंकि कई बार इसका आर्म होल बड़ा हो जाता है जब हम अस्तीन लगाते हैं तब। तो आप ध्यान रखेंगे कि 6 से भाग देने से बड़े साइज के ब्लाउज में परेशानी होती है, ये आपने पहले भी अनुभव किया होगा। देखिए, मैं आप लोगों को आज पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आर्म होल कटिंग हमें किस प्रकार से करना है। याद रखेंगे इस बात को कि जब भी हम किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मेजरमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो बॉडी नाप और सेकेंड किसी भी कपड़े से यानी कि रेडी सिले हुए ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। इसके अलावा आप किसी तीसरे तरीके से ब्लाउज की कटिंग नहीं कर सकते। आप या तो बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से कटिंग करेंगे या फिर आप सिले हुए ब्लाउज के हिसाब से मेजरमेंट करके कटिंग करेंगे। ध्यान रखेंगे, अगर हम बॉडी नाप लेते हैं तो हमें आर्म होल का ये जो राउंड है, ये राउंड, इसको हमको मेजरमेंट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। ध्यान रखेंगे कि जब हम ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं बॉडी नाप, तो हमें आर्म होल के राउंड को नापना है, यानी कि ये वाले पार्ट को ऐसे राउंड मेजरमेंट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की आर्म होल की कटिंग करना है। या फिर सिला हुआ ब्लाउज आपके पास में है तो आप सिले हुए ब्लाउज से आर्म होल को मेजरमेंट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। या तो मैं फिर से बता रहा हूं, या तो आप बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे या फिर आप सिले हुए ब्लाउज के हिसाब से कटिंग करेंगे। इस दो तरीके के अलावा और कोई भी तरीका नहीं है आपके आर्म होल निकालने का। ये एक अंदाज आता है हमारा कि हम 6 से भाग दे देंगे तो हमारा आर्म होल निकल जाएगा। कुछ हद तक तो काम करता है, लेकिन बड़े साइज के ब्लाउज में ये काम नहीं करता, क्योंकि उससे आर्म होल हमारा बड़ा कटिंग हो जाता है और स्टिचिंग करते समय अस्तीन लगाने में हमें बहुत ही परेशानियां होती है। इसकी वजह से ब्लाउज हमारा पूरा खराब हो जाता है। तो आप जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो अगर आपके पास में सिला हुआ ब्लाउज है तो उसके अकॉर्डिंग कटिंग करिए, या तो बॉडी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करिए। मैं अभी आप लोगों को वही बताऊंगा, क्योंकि कई बार हमारा आर्म होल छोटा बड़ा होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, कोई भी समस्या नहीं होगी आर्म होल की कटिंग करने में। एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब भी हम किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो यही दो फार्मूले से ही हमको कटिंग करना है, बॉडी नाप और सिले हुए ब्लाउज के नाप से। तीसरे चीजों में आप ध्यान मत दीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे कि कटोरी का साइज हमको लेना है या बस्ट पॉइंट लेना है, अगर हमने बस्ट पॉइंट नहीं ना पाए तो आप उस फार्मूले से उसकी कटिंग कर सकते हैं, यानी कि बस्ट का फार्मूला जो होता है उसके हिसाब से कटिंग कर सकते हैं, या साइज के अकॉर्डिंग हमें कटोरी कितनी इंच की लगानी रहती है उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको अपने इस वीडियो में आर्म होल के बारे में ही बताऊंगा कि हमें किस तरीके से एक परफेक्ट आर्म होल की कटिंग करना है। बाकी आप खुद ही समझदार है
कि इन दो तरीके के अलावा तीसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं कि हमें परफेक्ट आर्म होल की कटिंग किस प्रकार से करना है, जिससे कि आर्म होल हमारा छोटा बड़ा ना हो और ब्लाउज की एक परफेक्ट फिटिंग आए। तो चलिए मेन वीडियो में अब आते हैं। अभी मैं आप लोगों को 40 इंच सीना के अकॉर्डिंग कटिंग करके बताऊंगा आर्म होल की, जिसमें मैं डीप गले में, बोट नेक गले में और कॉलर वाले गले में तीनों को किस प्रकार से कटिंग करना है आर्म होल की वो बताऊंगा। 40 इंच सीना में सपोजिंग मैंने इसका आर्म होल मेजरमेंट लिया है 17 इंच। आप सिर्फ आर्म होल में ध्यान रखेंगे, ये आर्म होल या तो बॉडी नाप है या फिर कपड़े का नाप है, यानी कि सिले हुए कपड़े का, उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना है। तो 17 इंच मैंने आर्म होल इसका मान लिया है 40 इंच सीना में। सबसे पहले मैं डीप गले में कटिंग करके बताऊंगा। तो पहले मैं यहाँ ऊपर की ओर एक सीधी लकीर खींच लेता हूँ। मैं अभी आप लोगों को ओनली सिर्फ और सिर्फ आर्म होल की कटिंग बता रहा हूँ, बाकी चीजों में नहीं ध्यान देंगे। जैसे इसका 40 इंच सीना में डीप गले में मैं इसका शोल्डर ले रहा हूँ 11 इंच। 11 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5.5 इंच ये, और यहां पर इसको सीधा खींच लूंगा। गले का फैलाव हम चाहे तो ले सकते हैं, तो मैं इसमें 2.5 इंच ले रहा हूं, डीप गले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आप लोगों को, ये 2.5 इंच, और यहां पर इसे सीधा खींच लूंगा। गला हम 10 इंच 11 इंच डीप इसमें कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने इसका 5.5 इंच आर्म होल ले लिया, 5.5 इंच ये आर्म होल, अब इसे यहां पर खींच लूंगा। आपको देखना है मैं किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूं। अब 40 इंच सीना है तो 40 इंच का 1/4 हो जाएगा 10 इंच और 1.5 इंच मैं इसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। अब आमतौर पे मैं इसका अंदर की ओर एक तिरछी लकीर खींचता हूं और यहीं पर से मैं सामने पार्ट की गहराई करता हूं। जैसे मैंने 40 इंच में यहां निशान लगाया तो 1 इंच यहां पर ऐसा ले लूंगा और उसे यहां तक मेजरमेंट कर लूंगा कितना इंच है। तो देखिए इस कॉर्नर तक यार है 3.5 इंच, तो मैं अंदर वही लकीर में 3.5 इंच में यहां पर निशान लगा के इसी के अंदर मैं इसका राउंड सर्कल लूंगा, देखिए किस प्रकार से, और यहां पे लाके मिला दिए। सामने पार्ट की गहराई हो गई और ये वाला हिस्सा बैक पार्ट हो गया, ये जिसको मैं यहां लास्ट में लाके मिलाया हूं। अब मैंने जैसे 17 इंच मैंने आर्म होल लिया है, मैं 5.5 इंच में इसको कटिंग किया हूं, तो अब क्या करना है, हमें इसको मेजरमेंट कर लेना है कि ये कितना इंच है। तो देखिए मैं ऊपर की ओर 1/4 इंच दबाव लेता हूं, यानी कि 1/4 इंच कम 1 इंच, ध्यान रखेंगे 1/4 इंच कम 1 इंच मैं दबाव लेता हूं, तो इसको यहां पर ले लेना है। अब इसे मैं यहां पर से इसको मेजरमेंट कर रहा हूं, ये कितना इंच है। तो देखिए ये हमारा 17 इंच ऑलरेडी आ गया है, देखिए मैंने 5.5 इंच में ही इसको मिला लिया हूं। तो देखिए ये 17 इंच हमारा आ गया है, देखिए कहां पर से, यहां पर से। अब यहां से इसको देखिए मैं ऐसा मेजरमेंट कर रहा हूं, तो देखिए ये यहां तक, देखिए यहां तक ये 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच का डबल हो जाएगा हमारा 17 इंच, तो ये 17 इंच हमारा इसमें आ गया है, किसमें, 5.5 इंच में। अब देखिए मान लीजिए कि मुझे इसका आर्म होल 19 इंच लेना है, ध्यान रखेंगे अब इसका आर्म होल मान लो जैसे कि 40 साइज में अगर किसी क्लाइंट का आर्म होल हमारा 19 इंच है, तो उस कंडीशन में हमें 5.5 इंच में इसको कटिंग नहीं करना है। आप यहां पर से 1/2 इंच बढ़ा लीजिए, इसको 6 इंच कर लीजिए यहां पर, और इधर भी 6 इंच ऐसे, और इसे यहां पर से ऐसा बॉक्स बना लीजिए और वैसे ही 1 इंच पहले निशान लगा के यहां पर आप मेजरमेंट कर लीजिए, तो ये भी 3.5 इंच ही आएगा दोस्तों। तो यहां पर भी आप 3.5 इंच में देखिए, ये जो ऊपर हम, क्योंकि पहले हमने 5.5 इंच में लिया था तो ये 1/2 इंच ऊपर था, अब ये 1/2 इंच हमारे नीचे आ गया है, तो अब हमें यहां पर से इसको ऐसे राउंड शेप लाके जहां पर हमने 1 इंच में निशान लगाया है वहां पर लाके मिला लेंगे, और बैक पार्ट को बिल्कुल ऐसे लाके ये इसमें लाके मिला लेंगे। देखिए मैंने 1/2 इंच इसका आर्म होल बढ़ा लिया है, अब मैं इसको भी मेजरमेंट कर लेता हूँ ये कितना इंच है। यहाँ पर से ये हमारा सिलाई मार्जिन है, शोल्डर का दबाव है, अब देखिए ये, देखिए ये फिक्स यहाँ पर हमारा, देखिए यहाँ पर ये हमारा 9.5 इंच आ गया है, देखिए फिर से दिखाऊंगा आपको,
ये देखिए, ये हमारा 9.5 इंच आ गया है। 9.5 इंच का डबल होगा 19 इंच। देखिए 40 इंच सीना में, 17 इंच अगर हमने लिया है तो 5.5 लिया, और 19 इंच था तो हमने 6 इंच लिया है। ध्यान रखेंगे, देखिए यही सब चीजें हैं हमको समझना है कि हम बॉडी मेजरमेंट या कपड़े के नाप के अकॉर्डिंग ही इसका आर्म होल की हम कटिंग करेंगे। बाकी जो फार्मूला है सीना के अकॉर्डिंग हम 6 से भाग दे देंगे या 5 से भाग दे देंगे, उस फार्मूले से आप कटिंग ना करें, क्योंकि कभी भी सीने के हिसाब से हमारा आर्म होल कटिंग नहीं होता। आर्म होल हमेशा आस्तीन के अकॉर्डिंग कटिंग होता है, क्योंकि कई बार सीना कई लोगों क्लाइंट का भारी होता है, उसके सीने के अकॉर्डिंग आस्तीन यानी कि जो हाथ है वो पतला होता है। ध्यान रखेंगे, कई बार कंडीशन ये होती है किसी क्लाइंट का हाथ जो है हैंड वो मोटा होता है लेकिन साइज जो है सीना वो कम होता है। ध्यान रखेंगे, हमेशा हमको आर्म होल आस्तीन के अकॉर्डिंग कटिंग करना है, ना कि सीने के। सीने के अकॉर्डिंग आप कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट आर्म होल कभी कटिंग नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ये तो हमने डीप नेक के अकॉर्डिंग बता दिया है। अब जैसे मान लो यही आर्म होल हमको 21 इंच चाहिए, तो आप यहां पर इसको 6.5 में कटिंग कर लीजिए, हमको बढ़ाना है। तो अगर मान लो किसी क्लाइंट का 17 इंच से कम है आर्म होल, तो आप उस कंडीशन में इसको 5.5 से 5 इंच में भी कर सकते हैं कटिंग। ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आर्म होल हमारा बढ़ेगा तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। ये तो हमने बता दिया डीप नेक के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको कॉलर वाले के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने 40 इंच सीना में क्लाइंट का मैंने 15 इंच शोल्डर लिया हुआ है, तो कॉलर वाले में क्या करना है, हमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो 15 इंच में 1 इंच प्लस करना है, 16 इंच हो जाएगा, ये 16 इंच, और इस साइड भी हम 16 इंच में यानी कि 16 इंच का हाफ हो जाएगा, 8 इंच में निशान लगा लेंगे। देखिए इस साइड में ये ऐसे। अब हमें इसका जो डिस्टेंस है वो हम ले लेंगे 3 इंच, क्योंकि शोल्डर कॉलर वाले में हम गले का फैलाव थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, नहीं तो गला कॉलर जो है एकदम ही ज़्यादा हमारा चिपक जाएगा। ये 1/2 इंच हम इसमें डाउन लेंगे, किस में, कॉलर वाले ब्लाउज में, बाकी किसी में भी शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। अब मैं इसका यहाँ पर इसका आर्म होल ले रहा हूँ 7.5 इंच। ध्यान रखेंगे 7.5 इंच, अब यहाँ पर इसको निशान लगा लिया। अब मैं इसका सीना ले रहा हूँ 40 इंच, और इसमें 1.5 इंच मार्जिन। अब यहां से आप अंदर की तरफ 1 इंच में तिरछी लकीर खींचिए। डीप नेक में आपको 1/2 इंच खींचना है, कॉलर वाले में हमको इसको 1 इंच में। अब यहां पर से इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, 3 इंच, यहां पर भी 3 इंच, और यहीं पर से हम इसको घुमा के लाके यहां मिला लेंगे, और ये बैक में, ये हमारा सामने पार्ट, ये बैक पार्ट। अब हम इसमें इसको मेजरमेंट कर लेते हैं 1/2 इंच छोड़ के, कि ये हमारा 17 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर से, तो देखिए ये अभी 8 इंच है, देखेंगे ये 8 इंच है, 8 का डबल होगा 16 इंच, यानी कि इसको 1 इंच हमको आर्म होल को बढ़ाना है। तो क्या करिए आप, यहां पर से देखिए मैंने ऊपर से कितना इंच, यहां से कितना इंच मिल गया था 7.5 इंच में, तो आप इसको 8 इंच में ऐसे निशान लगा लीजिए। ये हमारा 3 इंच, इधर भी 3 इंच, अब इसको यहां पर लाके ऐसा मिला लीजिए, और वैसी इसको भी लाके मिला लीजिए। देखिए अब हम इसको मेजरमेंट करते हैं कितना इंच है, तो ये हमारा देखिए 8.5 इंच आ गया है, 8.5 इंच का डबल हो जाएगा 17 इंच। तो देखिए ये 17 इंच हमारा आर्म होल आ गया है। अगर मान लो हमको इसको 19 इंच करना है, तो आप यहां पर से जैसे मैंने इसको 8 इंच लिया था, आप इसको 9 इंच ले लीजिए। जैसे जैसे हमको आर्म होल का साइज बढ़ाना है, देखिए जब भी हमको ब्लाउज का कटिंग करना है तो आप आर्म होल को ऐसा मेजरमेंट कर लीजिए, अगर आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो बढ़ा लीजिए, अगर नापने के बाद बढ़ रहा है आर्म होल तो आप उसको घटा लीजिए। ये तरीका होता है एक परफेक्ट आर्म होल कटिंग करने का। देखिए इतनी डिटेल से आपको कोई भी नहीं बताएगा जितनी डिटेल से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये तो सेम हमने कॉलर वाला का कर लिया है,
अब देखिए बोट नेक में, तो बोट नेक में ज्यादा फर्क नहीं होता कलर वाले में और बोट नेक में। जैसे मैंने इसका 15 इंच शोल्डर नापा था, उसमें 1 इंच प्लस कर लिया था कॉलर वाले ब्लाउज में, आपको बोट नेक में क्या करना है, 15 इंच जैसे आपने शोल्डर नापा है तो 15 इंच में ही हमको इसको ड्रा करना है। ध्यान रखेंगे 15 इंच में, ये 15 इंच में, और आप बाकी जो कॉलर वाले में जैसे हमने फार्मूला लिया था ये अंदर की तरफ 1 इंच, वैसे ही आपको अंदर की तरफ यहां से 1 इंच तिरछी लकीर खींच के आपको सेम प्रोसेसिंग से इसी प्रकार से मेजरमेंट करके आर्म होल की कटिंग करना है। देखिए कॉलर वाले में और बोट नेक ब्लाउज में ज्यादा फर्क नहीं होता, हमें जो शोल्डर हमने क्लाइंट कर लिया है सेम उतने में ही हमको कटिंग करना है। और कॉलर वाले में क्या होता है, हम उसमें 1 इंच प्लस करते हैं क्योंकि 1 इंच हमारा दोनों तरफ हाफ इंच एक साइड और हाफ इंच एक साइड शोल्डर अस्तिन में दबाव चले जाता है। और सेकेंड है ये हमारा जो हमने इसमें शोल्डर स्लोप लिया है, बोट नेक ब्लाउज में हमको शोल्डर स्लोप लेने की आवश्यकता नहीं है, शोल्डर स्लोप ओनली हमें कॉलर वाले ब्लाउज में कटिंग करना है। देखिए मैंने आज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डिटेल से आर्म होल का मेजरमेंट कैसे करना है बताया हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, साथ में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो देखकर आर्म होल की परफेक्ट कटिंग कैसे करना है सीखे कि नहीं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।